हाय गाइज एंड वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। मैं हूं आपका विशाल सर, विशाल कुमार जायसवाल। गाइज, नीट 2020 का रिजल्ट आउट हो चुका है और इस रिजल्ट के आते के साथ ही में हमें इस साल के बड़े बड़े टॉपर्स मिले, ऐसे टॉपर्स मिले जिन्होंने एक एग्जाम्पल सेट कर दिया है और ये एग्जाम्पल आने वाले बहुत सारे बच्चों, लाखों बच्चों को, करोड़ों बच्चों को इंस्पायर करता रहेगा हमेशा हमेशा के लिए। क्योंकि ये एग्ज़ाम जिस सिचुएशन में हुआ था वो सिचुएशन कॉमन नहीं था। चारों तरफ अगर हम अभी इस वक्त सिर्फ इंडिया की भी बात करें, भारत की भी बात करें, तो COVID-19 का इफेक्ट हर जगह देखा जा सकता था। कंप्लीट लॉकडाउन था, कहना मुश्किल था कि एग्ज़ाम कैसे होगा। कॉलेजेस में, स्कूल्स में, जहां भी सेंटर्स बनाए जाएंगे वहां पे SOPs का फॉलोअप होगा या नहीं होगा, कई जगह लूपहोल्स भी देखने के लिए मिले। लेकिन तमाम मुश्किलों का सामना करते हुए ये टॉपर्स बड़ी तेजी के साथ में आगे निकले, इन्होंने कीर्तिमान स्थापित किया, फ्लाइंग कलर्स के साथ में ये निकल करके आए, ये कहना गलत नहीं होगा। तो गाइज, आज का ये वीडियो बहुत खास होने वाला है आप सभी लोगों के लिए, सभी बच्चों के लिए, सभी लोगों के लिए। वाई? बिकॉज हम आपको इन बच्चों से मिलवाने वाले हैं और आप इनका बातों को सुनिए। जो भी बच्चे जिनके मन में भी किसी भी वजह से, चाहे वो कोई भी बोर्ड के स्टूडेंट हों, CBSE, ICSE, स्टेट बोर्ड्स, एनी, और कोई भी एग्ज़ाम हो और कोई भी उम्र के हों, अगर उनके दिमाग में है कि हमें प्रॉब्लम्स फेस हो रहे हैं या इस पैंडेमिक सिचुएशन में हम बहुत सारी चीज़ों को मिस कर रहे हैं, या अगर ये सिचुएशन नहीं होता तो बहुत कुछ हम कर पाते या और आगे चीज़ें इम्प्रोवाइज हो पाता, तो उनको ये वीडियो देखना चाहिए। कुछ हमने एक छोटा सा एक इंटरव्यू क्लिप आपके लिए तैयार किया है, तो आप इसे देखें। उम्मीद है आपको ये क्लिप बहुत पसंद आएगा और आप इंस्पायर बहुत ज़्यादा होंगे। मैं 2 साल पहले 2018 में 10th बोर्ड्स के बाद कोटा में मैं आया था और फिर यहाँ पे ही एलन कैरियर इंस्टीट्यूट को मैंने ज्वाइन किया और एलन कैरियर इंस्टीट्यूट में मैं रह के मेरी जो नीट की प्रिपरेशन मैंने की, साथ ही साथ 11th-12th की स्कूलिंग भी मैंने यहीं से की। सुबह 7 बजे मैं स्कूलिंग के लिए जाता था, 1:30-2 बजे तक वो ख़त्म होने पर सीधा कोचिंग पर चला जाता था और फिर कोचिंग जब 6:30-7 बजे तक ख़त्म हो जाती थी उसके बाद अराउंड 4 आवर्स तक का सेल्फ स्टडी टाइम मिल पाता था मुझे। और इसके अलावा जब कोई भी संडे वगैरह होते थे तो तब मैं 10-12 आवर्स की पढ़ाई करता था। 10-12 आवर्स की पढ़ाई एकदम कंटिन्यूस, शायद कोई ब्रेक नहीं मैम ब्रेक्स तो होते थे लेकिन टोटल 10-12 आवर्स पढ़ता था, कोई अगर कोचिंग या स्कूल बंद रहे तो। अच्छा आकांक्षा, आपने कभी सोचा था कि एक तो कोरोना का समय चल रहा था और उसमें जब बच्चों का मनोबल टूट जाता है, जो लोग प्रिपरेशन कर रहे होते हैं स्कूल के बच्चों का, वो लोग मायूस हो जाते हैं, लेकिन ऐसे में आपने कैसे अपने आप को मेंटली इतना स्ट्रांग किया? जब लॉकडाउन हुआ था तो मतलब मैं दिल्ली में प्रिपेयर कर रही थी 11-12, तो लॉकडाउन के बाद मैं घर पे आ गई थी वापस से, तो पेपर जो 3rd मई को होने वाला था वो काफी पोस्टपोन हो रहा था, तो इनिशियली तो मुझे थोड़ी टेंशन मतलब हो रही थी, बट बाद में मैंने उसको एज ए अपॉर्चुनिटी लेने का सोचा, क्योंकि मतलब इसमें मैं कुछ कर नहीं सकती थी, अगर मैं टेंशन लेती भी तो मैं अपनी प्रिपरेशन और खराब ही कर दी, तो उस चीज को मैंने एज एन अपॉर्चुनिटी लिया, एज अ चैलेंज लिया कि अगर मतलब टाइम एक्सटेंड हो रहा है तो सबके लिए हो रहा है, सबको प्रॉब्लम्स आएंगी, तो मुझे अपनी प्रैक्टिस को और बढ़ाना चाहिए, अपने आप को और इम्प्रूव करते जाना चाहिए। और वही हुआ भी, मतलब पहले जो मैं पेपर, मॉक पेपर्स करती थी वो अराउंड 2 आवर्स 30 मिनट्स में कंप्लीट करती थी और फिर लॉकडाउन में मैंने उसको इतने अच्छे से यूटिलाइज किया, इतनी बार रिवीजन कर लिया NCERT का और हर एक टॉपिक का कि मेरा मॉक पेपर्स मैं 2 घंटे में कंप्लीट करने लग गई थी उसके बाद से, और उस चीज़ का फायदा मुझे नीट में भी मिला। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि प्रॉब्लम्स थी पर सबके साथ होती है, तो आपको प्रॉब्लम का पॉजिटिव साइड देखना है कि आप उसको कैसे यूटिलाइज कर सकते। कभी ऐसा हुआ भी नहीं कि लगा हूँ कि ऐसा टाइम आया हो कि शायद नहीं हो पा रहा है, कैसे प्रिपरेशन होगी, या कभी आपको लगा हो कि कोई कमी है तो उसे कैसे आपने फिर ठीक किया? मैम 12th के एंड तक बोर्ड एग्जाम तक सब ठीक था, उसके बाद एकदम से कोविड आ गया तो उस वजह से एकदम से हैम्पर प्रिपरेशन थी, तो तब लगा कि हाँ प्रॉब्लम है, मतलब ये था कि सिलेबस कई बार कम्प्लीट कर चुके थे, तब फ्रस्ट्रेशन हुई कि वापस वही पढ़ना पड़ेगा, फिर पेपर एक्सटेंड होता जा रहा था, तब एक बार लगा कि यार कैसे होगा। मनित जिन्होंने 10th रैंक हासिल की है हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अपने संघर्ष की कहानी। संघर्ष से मेरा मतलब है कि जब हम पढ़ाई करते हैं तो एक संघर्ष ही होता है किसी भी चीज को पाने के लिए, उसे हासिल करने के लिए। आप क्या साझा करना चाहेंगे दर्शकों के साथ? जी मैम, मेरी आवाज आ रही है मैम?
बिल्कुल आ रही है, माने हम आपको देख भी पा रहे हैं, आपको दर्शक न्यूज के देश देख रहा है आपको। मैम मैं राजकोट में ही मेरा जन्म हुआ है और मैंने 2 साल की जो 11वीं और 12वीं की पढ़ाई है वो भी राजकोट से ही की है और मैंने कोचिंग और स्कूलिंग भी यहीं से किया है। और जैसे मेरा हमेशा से फोकस स्कोर का रहा था, रैंक का नहीं, कि जब तक स्कोर कोचिंग के टेस्ट के स्कोर में ऑप्टिमम मार्क्स ना आए तब तक मैं डिसिप्लिन होके घर पे या कोचिंग में स्कूल पे सब जगह पढ़ाई में ही व्यस्त था और थोड़े थोड़े बीच में ब्रेक लेकर, लेकिन मेन मेरी स्टोरी में यही रहा है कि मैं डिसिप्लिन रहकर आसपास का सब भूल कर 2 साल एकदम रूम में ही रहकर एक ही चेयर पे बैठकर मैंने सब कुछ किया है। 2 साल पूरे वहीं गुजारे और फिर जब पोस्टपोनमेंट का न्यूज आया था तब थोड़ा मोरल और वो सब डाउन हुआ था, लेकिन पेरेंट्स की वजह से और मेरे टीचर्स की वजह से उन्होंने मुझे मोटिवेटेड रखा है और बहुत स्ट्रेंथ दी कि तुम कर पाओगे। तो फिर वैसे ही बहुत स्मूथली मैंने एक ही चेयर पे बैठ के रोज के 6-7 घंटे देखे और लॉकडाउन में 8-9-10 घंटे तक की पढ़ाई, रोज एक एक टेस्ट देके वही संघर्ष रहा है पूरा नीट के दिन तक। मतलब आपने बहुत अच्छी बात कही कि मुझे, मेरे लिए इम्पोर्टेंट था मेरी रैंक आना, मेरे लिए इम्पोर्टेंट था कि मैं इसे क्लियर कर लूं। तो जब हम किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं तो एक ना दबाव होता है हमेशा कि अच्छा करना है या फिर मुझे फर्स्ट रैंक लानी है। कभी कभी ऐसा होता है हम ये भूल जाते हैं कि अगर हम 8th रैंक लाएंगे 10th रैंक लाएंगे तो भी हम विनर ही कहलाएंगे क्योंकि हम उसे उस एग्जाम को क्लियर कर लेते हैं। ऐसे बच्चे, ऐसे स्टूडेंट जो भी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं और वो इस तरह के मानसिक तनाव से गुजरते हैं, आप अपने अनुभव से उनके साथ क्या साझा करना चाहते हैं? मैम मेरा यही से आइडिया मेरा यही था कि मैं काफी लोग बोलते हैं कि तुम्हारा ये हो जाएगा, ये हार्ड एग्जाम है, इतने सारे लोग हैं, लेकिन मैंने हमेशा का कुछ सोचा ही नहीं। कभी कोचिंग में भी मेरी रैंक पीछे आ गई तो, या कभी फर्स्ट भी आ गया, मैंने कुछ रैंक का तो आइडिया भी नहीं था, कुछ कॉलेज का नहीं सोचा था। मेरा एक ही फोकस था कि मैं कंसेप्ट और सब कुछ क्लियर रखूं, मुझे पढ़ाई में बहुत मजा भी आती थी। तो मेरा यही संदेश होगा कि आप जो भी पढ़ाई है उसमें इंटरेस्ट लेके अपने क्यूरियोसिटी के लिए आप पढ़े, आप और दबाव और वो सब ना सोचे, सिर्फ अपना स्कोर, अपनी एक्यूरेसी, अपनी स्पीड बढ़ाने के लिए पढ़े और सब भूल के सिर्फ आप अपने स्कोर और अपनी क्यूरियोसिटी को सेटिस्फाई करने के लिए पढ़े। तो गाइज उम्मीद करते हैं कि आपको इन सभी जो टॉपर्स बच्चे थे, इन सभी 6 के 6 का व्यूज जो आपने अभी थोड़ा बहुत सुना, आपको इससे बहुत ही ज़्यादा इंस्पिरेशन मिला होगा, आप बहुत ज़्यादा प्रेरित हुए होंगे। ऐसे ही हम आपको प्रेरित करते रहेंगे, आपको नए नए तरीके से मोटिवेट करते रहेंगे, आपको हर संभव वो मदद करेंगे जो हम कर सकते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ में। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट करना नहीं भूलना है, पहली बार हमारे चैनल में आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अभी इस वीडियो में इतना ही। दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड, दिस इज योर विशाल साइनिंग ऑफ। प्लीज स्टे काम, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। जय हिंद, जय भारत।